हमीरपुर 11 साल की दलित मासूम को अगवा कर गैंगरेप के बाद हत्या कर 50,000 रुपए का मुख्य आरोपी वीरू सिंह 19वें दिन हुआ गिरफ्तार। विगत 8 जून को घर से बाहर सो रही थी मासूम दलित से दो लोगों ने किया था गैंगरेप। एक आरोपी को पहले ही पुलिस भेज चुकी है जेल। थाना पुरारा के सिवनी गांव में हुई थी घटना। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद हुई हत्या का किया खुलासा। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया कि आरोपी इतना सातिर था कि पहले उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम रखा गया था और जब वह किसी प्रकार हाथ नहीं आया तो डीआईजी बांदा निक के द्वारा इनाम की राशि दुगनी कर दी गई और राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपए। इसी के चलते माननीय हेमराज मीणा द्वारा 5 टीमें गठित कर लगातार दबिश दी जा रही थी। आज मुखबिर की सूचना पर आरोपी वीरू को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए श्री हेमराज मीणा ने इस प्रकार की घटना पर लगाम लगाने के लिए कड़े से कड़े तेवर अपनाने को पुलिस से कहा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं से लोगों में भय पैदा होता है और बच्चों का भविष्य भी अंधकार में जा रहा है। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा आरोपी को पकड़ने वाली पुलिस टीम को इनाम भी दिया और इस प्रकार के आरोपों अपराधों पर रोक लगाने के लिए प्रयास करने का भी वादा किया। यहाँ पे वीरू उर्फ विजेंद्र ये अभी गिरफ्तारी हुई 50,000 रुपये इनाम ये उन्होंने द्वारा किया गया था और ये अभी थाना कुराराम के अंतर्गत जो 8/6/2019 को एक रेप और मर्डर की जो घटना एक नाबालिग लड़की के साथ घटित हुई थी उसी में ये अभियुक्त था और ये लगातार पुलिस से घटना के बाद से फरार चल रहा था। जनसद की समस्ती में इसके पीछे लगा रखी थी। इस घटना के अनावरण के लिए हमारे द्वारा 5 टीमों का गठन किया गया था जिसमें 2 टीम लगातार इसकी गिरफ्तारी पर लगी हुई थी और आज सुबह 6 बजे मुखबिर की सूचना पर इसको गिरफ्तार किया गया है और ये बहुत ही पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है क्योंकि अभी घटना लगातार इसकी जांच कर रहे हैं। मेरे द्वारा 25,000 रुपये काम किया गया था, मान लीजिए महोदय के द्वारा इसको बढ़ाकर इसको 4,000 रुपये इस तरीके से टीमों के द्वारा खड़े किया गया है और ये जो अभी जघन्य अपराध का अभियुक्त था कि न केवल इस जिले में बल्कि पूरे प्रदेश में इस घटना में सभी को सभी का दिल को दुखाया था। एक बहुत ही दर्दनाक और दुखद घटना क्योंकि एक नाबालिग लड़की जांच की गई थी उसी घटना में आने अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और योजना जल्दी से योजना करके और जांच लगाई जाएगी। आगे इस घटना की जो इन्वेस्टिगेशन है कंप्लीट होते ही फास्ट ट्रायल इसमें कराया जाएगा, सजा मिले और साथ ही साथ इसमें एनएसए की कार्रवाई हमारे द्वारा शुरू की जाएगी।